देश में भले ही थाने व अदालतें न्याय के लिए स्थित हैं, लेकिन कुछ लोग शिकवा शिकायत कोर्ट कचहरी से इतर कानून का खुलेआम मखौल उड़ाते हुए स्वयं ही फैसले की इबारत लिख देते हैं। मुमकिन है कि यह प्रेरणा बिगरू कांड से ही मिली हो। सीएससी के चिकित्सक के साथ की गई मारपीट का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पूरा मामला कोतवाली से सटे कालपी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां तैनात चिकित्सक विनय पांडे की पत्नी वर्तिका पांडे परिजनों के साथ सीएससी परिसर में अपने पति के सरकारी आवास पर पहुंची थीं। आवास में एक युवती की मौजूदगी देखकर सभी लोग आपा खो देते हैं। फिर क्या था, चिकित्सक को परिसर में लाकर तीसरी आंख से बेखौफ लोगों द्वारा मुक्का लातों से फैसले की इबारत लिख दी जाती है। घटना में चिकित्सक को काफी चोटें आ जाती हैं। पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। निर्णय के बाद शुरू होता है कानून का काम। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया जाता है। चर्चा तो यह भी है कि इस मामले में चिकित्सक की पत्नी का आरोप है कि मौके पर मिली युवती से उनके पति के अवैध संबंध है, जबकि इस मामले में चिकित्सक का कहना है कि उक्त युवती महज उनकी देखभाल करती है। फिलहाल यह जांच का विषय है और सीओ कालपी का कहना है कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है व मामले की जांच की जा रही है। जालौन से महेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। स्वास्थ्य केंद्र कालपी के एक चिकित्सक दंपति में आपसी विवाद हुआ था और जिसमें दोनों पक्षों से प्राथमिकी थाना कालपी में दर्ज कराई गई है, जांच की जा रही है। ये डॉक्टर साहब, कल जो आपके साथ में घटना घटित हुई, क्या मामला है पूरा? देखिए, अभी मेरा COVID-19 का 23 जून से अभी 6 तारीख तक मेरा COVID-19 का जिला कारागार में मेरी ड्यूटी थी, जहाँ पे मैं COVID-19 पेशेंट को देख रहा था। उसके बाद मुझे 7 दिन का आइसोलेशन पीरियड दिया गया था, जिसकी वजह से मैं अपने रूम पे घर पे आराम कर रहा था। क्योंकि मेरी पत्नी से मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं और डाइवोर्स पेपर प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, हम लोग का कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल हो चुका है, उसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। तो इससे थोड़ा सा गुस्सा करके उन लोगों ने पहले तो नौबस्ता थाने में मेरे खिलाफ होम वायलेंस का FIR करवाया झूठा, जिस वजह से मैं कानपुर जा नहीं पाता हूँ कभी भी, ना अपने घर जा पाता हूँ और एक भाई के साए में रहता हूँ, ना मेरे मम्मी पापा वहाँ पर जाते हैं। इन लोगों ने अचानक से कल आके मेरे ऊपर जोरदार तरीके से दरवाज़ा खुलवाया, ज़ोरदार तरीके से ताबड़तोड़ लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगे, गाली गलौज देने लगे और जान से मारने का प्रयास करने लगे। एक उसमें से इनकी मम्मी थी, वर्तिका थी, इनके पापा थे, दो मामा थे इनके, ये सभी लोग घर में घुस के और मुझे एक ने मुझे यहाँ से दबाया था, गर्दन से यहाँ से दबाया पैर से, और दूसरे ने नीचे गुप्त अंगों को पकड़ने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। उसके बाद लोगों ने लात घूंसे से सर पे जहाँ जहाँ पे उनको मार, जहाँ ये सब चोटें लगी, जहाँ जहाँ पे पाया वहाँ पे खूब मारे लोगों ने, और सिर्फ यही कहते जा रहे थे कि तुम अच्छा नहीं किया, इसका तुम अंजाम भुगतोगे, तुम्हें हम जान ले लेंगे। एक आरोप ये लग रहा है कि आपका जो है किसी युवती से जो है अवैध संबंधों का मामला भी प्रकाश में आ रहा है, ये पूरा क्या मामला है, कि इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि हमारी शादी हो चुकी है, पर अगर एक सरकारी डॉक्टर 2 शादियां करके रह नहीं सकता, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई युवती आती है, एक केयर टेकर के रूप में रहती है, खाना पीना बनाती है, कपड़े वगैरह धोती है, सारी चीज़ों का ख्याल रखती है, तो केयर टेकर के रूप में उसको रहना बहुत उचित है। उसके लिए कुछ अगर हो सकता हमसे तो हम करते भी हैं, ताकि उसका भरण पोषण भी होता रहे और मेरा भी काम चलता है, क्योंकि यहाँ पे 5 साल से मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं अकेला यहाँ पे रहता हूँ, अकेला काम करता हूँ, तो मुझे खाने पीने की दिक्कत होती है, कपड़े मेरे सूखे गंदे पड़े रहते हैं, उनको धोने वाला कोई नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास में अगर कोई व्यक्ति है जो मेरा साथ दे रहा है इन सब चीज़ों में, तो उससे अच्छा मित्र, उससे अच्छा केयर टेकर कोई हो नहीं सकता। इसके बाद इस घटना के बाद में आपने जो है कोतवाली में तहरीर भी दी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, तो अभी तक कोई कार्रवाई वगैरह अमल में लाई गई है? देखिए, जहाँ तक कार्रवाई की बात है, तो अभी तक हमें लग रहा है कि केस को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है, कि केस किसी तरीके से क्रॉस हो जाए, क्योंकि इसको एक घरेलू हिंसा का रूप देने की कोशिश की जा रही है। जबकि बहुत पहले से मैं कहता चला आ रहा हूँ, इससे पहले भी लोगों ने यहाँ पे आके FIR कराने की कोशिश की थी और मेरे खिलाफ बहुत ही गलत अखबारों में छपवाया भी था इनके पिताजी ने आके यहाँ पे, लेकिन अब इन लोगों ने एक लेवल ऊपर होके, पहले तो FIR नौबस्ता थाने में की होम वायलेंस की, जबकि वहाँ गया भी नहीं उनके घर पे, अपने घर पे नहीं गया, सॉरी कानपुर में,
और दूसरी चीज़ यहाँ पे आके इन्होंने पूरी तरीके से सीएससी कालपी में घुसकर एक डॉक्टर के घर में घुसकर उसको पूरी तरीके बुरी तरीके से मारना पीटना और जान लेने का प्रयास करना। वो तो शुक्र है कि नीचे पहुँच गया, नीचे पहुँचने पर कुछ लोगों ने देख लिया, इंटरफेयर करने की कोशिश की तो ये लोग थोड़ा शांत हुए, अदरवाइज़ ये पूरी तरीके से मूड बना के आए थे कि इसको आज ही निपटा देना है, क्योंकि इनके पिताजी कई दिन से ये चीज़ें कह रहे हैं कि इसको मैं गंगा में यमुना में काट के फेंक दूंगा और इसको मैं किसी तरीके से यहाँ पे जिंदा नहीं रहने दूंगा। ये इनके जनवरी से इनके डायलॉग से चल रहे हैं कि क्योंकि हम लोग का कोर्ट का केस का जो तारीखें चल रही है हम लोग की अनबन जनवरी से ही है, नवंबर दिसंबर जनवरी से है, तो ये तब से इन लोग का इस तरीके का जान से मारने का प्रयास करने की कोशिश की जा रही है।